हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनएफसी के बारे में। एनएफसी क्या है, एनएफसी कैसे यूज होता है, किस किस डिवाइस में हम लोग एनएफसी यूज करते हैं, आज उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको हम देंगे। एनएफसी का जो पूरा अर्थ है ये है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, अगर आप एनएफसी के थ्रू डेटा शेयरिंग करते हो तो दोनों डिवाइस के बीच में एक पी टू पी नेटवर्क कनेक्ट क्रिएट करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। अब मेरे पास आप देख रहे हैं दो डिवाइस है, ये मैं आपको इसमें डेमो दिखाऊंगा कि कैसे एनएफसी से हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। अब दोनों ही देख रहे हैं, एक सैमसंग S7H S6H है और एक सैमसंग S6 है। उससे पहले मैं बता दूं एनएफसी कहां कहां पर यूज होता है, एनएफसी किस जगह में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब जो ATM कार्ड यूज करते हैं ना, जो पेमेंट करते हो स्वैप मशीन के थ्रू, वो भी आपका एनएफसी में ही काम करता है। आमतौर में जब हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्लूटूथ या वाईफाई डायरेक्ट या शेयर इट बहुत सारे के एप्लीकेशन यूज करते हैं, बट उसके बिना भी हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। और मेरे पास अभी दोनों सैमसंग का डिवाइस है, बहुत सारा बैटरी देखिए, जो सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल में आप जो बैटरी यूज़ होता है, बैटरी में नॉर्मली एनएफसी एंट्री लगी हुई रहती है। अब अगर मान लीजिए अपना बैटरी का चेंज कराया या किसी लोकल मार्केट से बैटरी लगाया तो मे बी आपका एनएफसी काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप अपना बैटरी को चेक कीजिएगा ताकि वो एनएफसी इनेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए मेरे पास एक सैमसंग का बैटरी है जो J3 के साथ आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी के ऊपर देखिएगा मेंशन किया हुआ है, ये देखिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स ये बैटरी का आप नीचे देख रहे हो, ये थोड़ा सा शेप इसका चेंज है, ये जो आप दिख रहे हो ना ये एनएफसी एंटीना है। आगे मैं इस वीडियो में एक बैटरी को खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दैट मीन्स ये बैटरी का लेवल निकाल के देखूंगा, इसमें अंदर में जो एंटीना है वो आपको मैं शो करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि एनएफसी का कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट करता है और एनएफसी में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। सबसे पहले मेरे पास दो मोबाइल है, मैं दोनों मोबाइल में सेटिंग्स के थ्रू एनएफसी ऑन करूंगा। ये देखिए मेरे पास जो है ये पहले इसमें चला गया है, फिर यहाँ जाके यहाँ पर मैंने टाइप किया एनएफसी एंड कार्ड पेमेंट, यहाँ एनएफसी पेमेंट आ रहा है। एनएफसी थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बीम के बारे में, जो डेटा ट्रांसफर। बहुत जल्दी आपको मैं एनएफसी पेमेंट के बारे में, वो सैमसंग पे के बारे में बहुत जल्दी बताऊंगा। अगला वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो में वही मिलेगा आपको। ये देखिए मैंने एनएफसी एंड कार्ड पेमेंट ऑन कर दिया, अब इसमें भी मैंने सेम एनएफसी एंड कार्ड पेमेंट ऑन करूँगा मैं, ये आ गया, दोनों में मैंने ऑन कर दिया एनएफसी। अब क्या होता है देखिए, दोनों में मैंने ऑन कर दिया, अब यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ना एंड्रॉइड बीम, ठीक है। अब देखिए एनएफसी कितना इजीली और कैसे काम करता है, इसमें कोई एक वेब पेज खोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने कुछ सर्च किया, मैंने यहां पर टाइप किया सैमसंग, अब ये सबसे ऊपर में सैमसंग आ रहा है, सैमसंग इंडिया आ गया। अब ये देखिए सैमसंग इंडिया का पेज यहाँ पर बिना, अब मान लीजिए आपके दोस्त को ये वेबसाइट शेयर करनी है तो आप कैसे करोगे, या तो आप ये लिंक को कॉपी करोगे, सिलेक्ट करके लिंक को कॉपी किया फिर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करोगे, अदरवाइज उसको मैनुअली बोलोगे। बट एनएफसी के थ्रू आप इजीली इस वेब पेज को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो, ये देखिए इस प्रोसेस से। देखिए अभी इसमें भी सेम पेज आ जाएगा, देख रहे हैं। अभी मान लीजिए मुझे ये पेज नहीं चाहिए, मैं दूसरा कुछ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसमें एक
इसमें एक मान लीजिए ये गेम है, ये सॉरी चलिए इसको मैं, ये एक एप्लीकेशन है आई मोबाइल, ये एक्सिस बैंक का ऐप है। अगर आप में से कोई आईसीसी बैंक में अकाउंट है उनको पता होगा ये आई मोबाइल के बारे में। मैं ये ऐप को खोला और मैं ये चाहता हूँ ये एप्लीकेशन मेरा इस मोबाइल में आ जाए, कैसे होगा? अब इस मोबाइल को इससे कनेक्ट करना है, चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जैसे इसको टच किया, ये देखिए जस्ट मैं इसमें क्लिक करूँगा चला गया, अब ये गूगल प्ले खुल गया। अब यहाँ पे साइन इन मांग रहा है, अगर मैं साइन इन करूँगा तो वो प्ले पेज का लिंक मुझे मिल जाएगा, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूँ एक, ये देखिए इसमें एक कॉन्टेक्ट है, UIDAI का एक नंबर है, मैं इसमें ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अब मैं जैसे इसमें क्या करूँगा, दोनों को इसमें कनेक्ट करूँगा, ये नीचे आ गया, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया इसमें आ गया, ये देखिए कितना इजीली हम लोगों ने कॉन्टेक्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीका है, गैलरी का भी कॉन्टेंट्स ट्रांसफर कर सकोगे इजीली। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।